आसनसोल जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेखा भट्टाचार्य के नेतृत्व में नियामतपुर में कामदुनी बलात्कार हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई के विरोध में पदसभा आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा राज्य भर में कामदुनी मामले को लेकर पथावरोध कर प्रदर्शन किया जा रहा है। आसनसोल जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेखा भट्टाचार्य के नेतृत्व में नियामतपुर में कामदुनी बलात्कार हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई के विरोध में पदसभा का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि कामदुनी बलात्कार हत्याकांड में राज्य सरकार की पुलिस की भूमिका काफी लचर थी। कामदुनी कांड के विरोध में राज्य भर में जोरदार आंदोलन किया गया था, लेकिन अब इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की रिहाई के विरोध में लड़की के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा राज्य भर में कामदुनी मामले को लेकर पथावरोध कर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रेखा भट्टाचार्य ने कामदुनी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की और कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राज्य भर में आंदोलन कर रही है। কলেজ থেকে ফিরছিল সেই সময় ধর্ষণকারীরা তাকে ধর্ষণ করে পা চিড়ে এবং উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয়। আমরা এটাই হাইকোর্টে যখন এটা বিচার পেল না, হাইকোর্টে বিচার পেয়েছিল, হাইকোর্টে বিচার পেল, তারা দোষীরা শাস্তি পেল না, ছাড়া পেল। সিআইডি কী তদন্ত করলো, তদন্তের গাফিলতি ছিল, বারবার উকিল পরিবর্তন হয়েছে, 14 বার উকিল পরিবর্তন হয়েছে, কেসটাকে হালকা করা ছিল, সিআইডি জোরালো তথ্য প্রমাণ দেয়নি, তার জন্য কেসটা হালকা করে দেওয়া হয়েছে, হালকা করাতে আজ কেসটা ছাড়া পেয়েছে তার দোষীরা। কিন্তু আমরা এবারে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের যা হচ্ছে এটা সিবিআই তদন্ত আমরা চাই। নিয়ামতপুর মে এক পথসভা কা আয়োজন কিয়ে হ্যাঁ, जो पश्चिम बंगाल में दानपुरी हत्याकांड हुआ, जो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ और उसके बाद कोर्ट में केस चला, लेकिन उसका कोई न्याय नहीं मिला। उस लड़की को आरोपी आसानी से छूट गए। ये पश्चिम बंगाल का कैसा न्याय है समझ में नहीं आ रहा है। वो वीडियो ऑफिस के सामने इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन इसका कोई सटीक विचार नहीं हुआ, इसलिए इसके विरोध में जो आरोपी छूट गए हैं, हम लोग नियामतपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में और महिला मोर्चा, डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा के समर्थन से हम लोग यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी राज्य कमेटी के सोना भद्रो, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेखा भट्टाचार्य जी, हमारे नियामतपुर कुल्टी क्षेत्र की रूपा दास और भी और बहुत सारी महिला हैं, किसान मोर्चा की रजनी दी और सभी महिलाओं और हमारे बीजेपी के भाइयों को लेकर हम यहाँ पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। नियामतपुर के इस पथ सभा में जिला महिला मोर्चा की महासचिव रूपा दास, उपाध्यक्ष प्रेमलता शर्मा, प्रदेश भाजपा नेता विवेकानंद भट्टाचार्य, कुलटी मंडल 3 के अध्यक्ष अमर प्रसाद, उपाध्यक्ष टिंकू वर्मा, उपाध्यक्ष काजल दास, उपाध्यक्ष कवि सिंह, महासचिव अनिमेश माझी, जिला सदस्य महेश सिंह, उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, लखी हाजदा, भीम हाड़ी, अध्यक्ष सत्यजीत दास समेत काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।